वो जो है ना जेकबा, वो जेल से छुटकर गेंडे की तरह भिनभिनाता यही को आ रहा है। भिन भिन। ईदोर की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। जैकब की मौत उसे बिरजू के पास खींच लाई है। शैतान का दूसरा नाम जैकब है। आज अपन तुझे ये मोहल्ला छुड़ाने के लिए आया है। अपन को जेल भिजवा कर तू उस मोहल्ले का अमदर तो बन गया, लेकिन कुत्ते तूने इसका अंजाम नहीं सोचा कि जब शेर पिंजरे से बाहर निकलता है तो तेरा क्या होगा कालिया। कोहली का कुत्ता अगर खुद को शेर समझने लगे तो उसे पागल समझकर गोली मार दी जाती है। जैकब जो जिंदगी भर कुत्तों में रहा हो वो शेर को कुत्ता समझकर अपनी बोटियां नचवा लेता है। तुमने शेर को कुत्ता समझकर बहुत बड़ी गलती की है कुत्ते। गलती तो तूने की है जो मुझ जैसे शिकारी के पास खुद चलाया। तुम मुझसे ये मोहल्ला छुड़वाना चाहते है ना, चल मैं तुझसे ये दुनिया ही छुड़वा। डर से खिड़कियां दरवाजे बंद कर लेते थे ना, आज के बाद तेरे मुंह पर थूकेंगे। मुरली, ये ले मुरली, तेरे चेहरे पर डर की कालक पोतने वाले का मुंह तो खुद ही काला कर दे। बिरजू सर, नहीं, डर मत मुरली। अरे अगर इसने अपनी जुबान भी खोली ना तो इसकी जुबान खींचकर इसके हाथ में रख दूंगा। अरे ले ना। नहीं, मार मार के तो आप ही का थोबड़ा काला कर दियो, टिचनी कलर कर दियो, अब हम का मारी। अरे यार की इज्जत का जुलूस है तनी धूम से निकली। बबुआ, तो हर हार का इनाम ही हार है। और हमारा नाम है मुरली मनोहर ब्रिजवासी, और तुझ जैसी घटिया की लाश के गधे की सवारी के लिए हम लाए बढ़िया क्लास का गधा। ये देखो, शैतान का दूसरा नाम जैकब है। तूने अपुन के गले में जूतों का हार नहीं अपनी मौत को दावत दी है। अपुन तेरा का लाइफ डार्क कर देगा। सारा जिंदगी जन्नुम से ज्यादा बदता ना बनाया तो अपुन का नाम जैकब नहीं। क्या लगता है कुछ कमी रह गई है, का पूरी कर दो। बिरजू, क्या है ये तेरा तार आयला है? कौन का तार है बिरजू भैया? माँ का, जल्दी बुलाया है, कोई जरूरी काम होगा। लेकिन बेटा तू अपनी माँ का तार पढ़कर इस बर्बादी के तूफान में क्यों चला आया? माँ बाप तूफान में घिरे रहे बेटा कैसे चैन से जी सकता है। लेकिन बाबूजी, ये सब कुछ हुआ कैसे?
दिल का दौरा पड़ने से अस्पताल वालों ने तेरी माँ को अस्पताल में भर्ती कर दिया। उस रात तेरी गूंगी बहन छाया घर पर अकेली थी और मुझे घर पहुंचने में है जरा नहीं बहुत देर हो गई। और उस बरसाती रात में समझकर लोगों ने मुझे पुलिस के हवाले कर दिया। अच्छा ही हुआ, पहले इज्जत से गया, अब जान से भी चला जाऊं तो अच्छा है। आप बेकसूर हैं बाबूजी, और मैं ये साबित करने के लिए बड़े से बड़ा वकील करूंगा, चाहे मुझे सब कुछ बेचना पड़े। नहीं वकील साहब, जब तक मुझे बलवंत का कत्ल करते हुए देखने वाली रघुवीर की आंख खुली है, तब तक मेरी आंख चैन से बंद कैसे हो सकती है? इसलिए मैं सोचता हूँ कि सोचना तो आपको उसी वक्त छोड़ देना चाहिए था नारायण साहब, जब आपने नोटों से भरा हुआ बैग मेरे सामने रखकर मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया था कि बलवंत का खून रघुवीर ने ही किया है। अब ये बात मैं अदालत को सोचने पर मजबूर कर दूंगा। ठीक है वकील साहब, लेकिन एक बात फिर भी याद रखिएगा, अगर रघुवीर की चिता रोशन नहीं हुई तो मेरी जिंदगी का अंधेरा दूर नहीं होगा, क्योंकि मेरा अनमोल जीवन उसके 2% की मौत से शुरू होता है। लीव इट टू मी नारायण साहब, लीव इट टू मी। वकील साहब, अरे तू अंदर कैसे आए? मैं अपने बापू के प्राणों की भीख मांगने आया हूँ आपसे। कौन है तुम? जी मैं मिस्टर रघुवीर का बेटा हूँ। रघुवीर को तो जिंदगी मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि वो खूनी है। उन्होंने खून नहीं किया, वो खूनी नहीं है वकील साहब। वो खूनी नहीं, ये बात कितने लोग जानते हैं? तुम्हारा बाप या फिर मैं? क्या आप जानते हैं मेरा बाप? ऑफ कोर्स। फिर भी आप उन्हें फांसी पर चढ़ा देना चाहते हैं, तो क्या करें? सबूतों की बिना पर मुकदमा लड़ना मेरा पेशा है। किसी के सर से उसके बाप का साया छीन लेना पेशा है आपका? किसी सुहागन की मांग का सिंदूर मिटा देना पेशा नहीं, सरासर जलालत है। जलालत तुम समझते हो, दुनिया से लियाकत समझती है। भगवान से डरो वकील साहब, भगवान से डरो। आज का भगवान पैसा है बकुरदार, और पैसा कीमत है इस जबान की। ये वही जबान है जो अपने मौकल को बचाने के लिए बेगुनाह को गुनहगार और गुनहगार को बेगुनाह साबित करती है, और दीनानाथ अपने मौकल को ये जबान दे चुका है। I'm sorry, इसका फैसला अदालत में ही होगा। क्या कहा वकील साहब ने? तू बोलता क्यों नहीं? चुप क्यों है? ऐसे तो किसी हाथ बंधा कर मुझे यहाँ लाया था। बोल बिरजू, क्या कहा वकील साहब ने? मुझे क्या पता था कि एग्जाम से कहने जा रहा हूँ, दसना छोड़ दे। क्या तू मुझे अंदर बुलाता, अपने आंसू से उसके पांव धोकर उसका दिल फटने पर मजबूर कर देती? मैं अंदर जाती हूँ, अपनी माँ को उसके पैरों पे रखकर अपने सुहाग की भीख मांगूंगी। हाँ माँ, टूटते को दुनिया सहारा नहीं देती और तोड़ देती है,
वकील ने कहा है फैसला अदालत में होगा। जब तुम्हारा बाप घर पहुंचा तो तुम क्या कर रही थी? वो तुम्हें अपने बाजुओं में ले रहा था या तुम अपने बाजू में ले रही थी? तुम्हारे बापू को तुमसे पहले किसने देखा था? ओ, इसका मतलब है कि बलवंत की पीठ दरवाजे की तरफ थी। अपने बापू को देखते ही सबसे पहले तुमने क्या किया? उसे देखते ही तुम चीखी चलाई है? तो तुम अपने बापू को देखकर ही चीखी ना? Point to be noted, Your Honor, ये अपने बाप को देखकर चीखी चलाई, चीखकर ये बलवंत को इस बात का एहसास दिलाना चाहती थी, उसे आगाह करना चाहती थी कि इसका बाप आ गया है। Your Honor, अब मैं मुजरिम रघुवीर से एक आखिरी आम सवाल पूछने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो रघुवीर प्रसाद जी, बस कीजिए वकील साहब, बस कीजिए। आपने सच को झूठ साबित करके मुझ गरीबों की इज्जत पर काफी कीचड़ उछाल चुके हैं। अब झूठ को सच साबित करके मुझ निर्दोष को फांसी पर चढ़ा दीजिए, हमें मार डालिए, हमारे खानदान को फांसी पर चढ़ा दीजिए। अपनी अपनी इज्जत की आरती का बोझ अपने कंधों पर उठाकर हम नहीं जिंदा रह सकते, हम नहीं जिंदा रह सकते। जज साहब आता बाबू बाबू बिरजू बिरजू, मैं पिता के बगैर जिंदा नहीं रह सकती, इसलिए मैं भी उसके साथ जा रही हूँ। उसके चाय की माँ भी तो है, बाप भी तो है, उसका